देश में कितने ही राजनेता सत्ता के लिए जनता की सेवा के नाम पर राजनीति करते हैं, पर आज भी समाज में ऐसे नेता हैं जो दिल से जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो जनता के दर्द को समझते हैं, उनकी समस्या का समाधान चाहते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जमशेदपुर में, जहां जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में अपनी समस्या को लेकर आए एक बेरोजगार दिव्यांग युवक की मदद के लिए खुद सांसद जमीन पर बैठ गए। सांसद विद्युत वरण महतो ने पीड़ित की परेशानी सुनी और अधिकारियों से मदद करने की अपील की है। वहीं महतो ने कहा कि ऐसे असहाय लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। दिव्यांग है और बड़े हैं, इसीलिए माँ बाप भी इस पे उतना नहीं होता है, देख नहीं पाते हैं। ये भी ये लोग भी जो बड़े होते हैं आश्रित में बैठ के उससे बातचीत की। जी जी जी, देखिए ये सब आदमी को एकदम प्राथमिकता आधार पर काम होना चाहिए। ऐसे तय जो भी पदाधिकारी है, हर चीज कानून और नियम से नहीं होता है, कुछ सामाजिक के लिए हट के भी काम करना पड़ता है। इसीलिए सीओ साहब से बात की, 11 बजे बुलाए, इनको ये भी बोले अगर पॉजिटिव बात नहीं हुआ तो हमसे फिर अब मिलिए, हम लोग देखेंगे कहीं पर ऐसा जगह बैठा दिया जाए ताकि इसको रोजगार में किसी तरह दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ पीड़ित ने कहा कि अपना दुखड़ा लेकर कई नेताओं के पास भी गया, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन अब उसे सांसद विद्युत वरण महतो का सहारा मिल गया है। पीड़ित युवक ने महतो जी का शुक्रिया अदा भी किया है। मेरा सर कुछ समस्या था, मेरा दुकान हटाया गया था सर, हमको नेता से बहुत सारा मिला था, जो संतोष साहब से आज मिले हैं, पहली बार मिले हैं जो मेरे साथ बैठ के बात किए हैं सर। क्या था समस्या तुम्हारा? हमारा पास समस्या था कि मेरे को एक रोजी रोटी का समस्या था, वो तो मेरे को हटाया दे गया था। हम यही अपील करते हैं सर कि हमको कहीं पर स्थापित कर दिया जाए कि मेरा भी बीवी बच्चा को कुछ दाना रोटी मिल जाए सर। पीड़ित की मदद के लिए जिस तरह से सांसद विद्युत वरण महतो ने पहल की है, वो दूसरे नेताओं के लिए मिसाल की तरह है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।